अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गोलू व्लॉग्स। दोस्तों कैसे हैं आप सब? अभी दोस्तों सुबह का टाइम है और सीक्रेट लॉक दोस्तों मैंने तोड़ दिया। और ये रखे जाली, ये देखिए आप, और ये रखे लोहे के एंगल पीछे में। दोस्तों अभी मैंने शैलेश भैया को फ़ोन करा था, उनने बोले कि बस 10-15 मिनट में घर पर आ रहा हूँ मैं काम शुरू करने के लिए। तो दोस्तों अभी शैलेश भैया आ चुके हैं, देखिए आप। और अभी इधर की जगह दोस्तों पूरी क्लीन कर दिया मैंने, जितना भी यहाँ का सामान था सामान हटा दिया और अच्छी तरीके से यहाँ पे झाड़ू मार दिया। ये देखिए आप, ये लोहे के एंगल ऊपर आ चुके हैं। ये बाकी तो अपना सामान ही, इसको यहाँ रख देते हैं। तो अभी क्या करेंगे सर जी? अपन एंगल काटेंगे पहले। तो दोस्तों ये है चार एंगल, 9-9 फीट के एक एंगल है। तो भैया ने अपना पूरा सामान लेके आया है। और दोस्तों अभी मुझे इनको वायर का कनेक्शन करके देना पड़ेगा, जो कि दोस्तों नीचे के रूम से होगा। तो दोस्तों अभी कनेक्शन के लिए मैं नीचे से बोर्ड लेके आता, ठीक है भैया? हेज काटेंगे ना, और कौन सी चीज़ की जरूरत पड़ेगी? पानी के कारण एक एक ही लगाना पड़ेगा। हाँ ठीक, हाँ क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा पूरा पानी पानी हो गया। और दोस्तों देख सकते हैं बारिश भी आ रही है, मगर अच्छी बात यह है कि दोस्तों हमारा सेटअप बना है तो यहाँ पर बारिश नहीं लग रही। भले दोस्तों यहाँ की जगह गिल्ली है, मगर ऐसी कोई टेंशन की बात नहीं है। तो अभी मैं नीचे सामान लेके आता, मतलब बोर्ड का कनेक्शन करता। दोस्तों बोर्ड लगा दिया और यहाँ का लाइट भी चालू कर दिया। तो भैया पहले एंगल काटेंगे, अभी तो अभी जगह की कोई प्रॉब्लम नहीं है। इधर का हो गया, बहुत बढ़िया। दोस्तों यहाँ की जो बिल थी ना इस जगह की, यहाँ से दोस्तों पूरा अंदर तक गई थी। तो दोस्तों इसको एकदम आराम से निकाला मैंने, ये देखिए आप, ये पूरी दीवार के इसने अंदर पकड़ ली थी इसने। इसको भी यहाँ पे बाहर छोड़ा मैंने क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबी थी। और अभी दोस्तों हम यहाँ पे काम करेंगे तो हो सकते हैं टूट जाएंगे, इसलिए मैंने इसको इस जगह पे छोड़ दिया। ये देखिए आप कितनी ज़्यादा लंबी है हमारी बिल ये। तो दोस्तों फाइनली काम शुरू हो चुका है अभी अपना। ये एंगल काट रहे भैया, मतलब एक एंगल का नाप लेके देख रहे भैया। अभी निशान लगाने के कुछ है नहीं इनके पास में, इसलिए अभी हम इससे निशान लगा रहे। और अभी आप देख सकते हैं बारिश आ रही है। कुछ होना ईंट वगैरह पेटी के ऊपर रखी ईंट। तो इतने अपने को कितने एंगल लगेंगे? दो एंगल लगेंगे दोस्तों इतने। तो जैसा आपको सारा प्रोसीजर बताऊंगा मैं। तो दोस्तों दो एंगल अभी कट गए और भैया अभी गए हैं नीचे माप लेने के लिए और एंगल का। तो दोस्तों भैया अभी जितने एंगल का माप लेंगे वो सब गिन लेंगे और बाद में पूरे इसको काट लेंगे। देखिए अभी इधर से गिरने। तो दोस्तों ये माप लेके हो चुका है इनका और ये भी दोस्तों फिर से ऊपर गए एंगल काटने के लिए। देखिए आप, बहुत ही लंबा चौड़ा बनेगा हमारा लॉफ्ट। और देख सकते हैं बारिश तेज़ हो गई अभी। और दोस्तों कबूतर खुलने में तो ऐसी कोई प्रॉब्लम होंगी नहीं, अभी हमारा काम भी चालू है। तो हमारा काम नीचे चालू है और कबूतर हम ऊपर खुल सकते हैं आराम से। ऐसे कितने लगेंगे अपने को? दो। दिखने में इतने ज़्यादा एंगल लग रहे थे, मगर जब कट रहे हैं अभी तो धीरे धीरे कम हो रहे एंगल। दोस्तों एक एंगल देखिए कट के कितना छोटा सा बच गया एकदम। तो दोस्तों अभी वेल्डिंग मशीन हमने लगा दी है, देखिए आप, जो कटर मशीन थी उसको निकाल दिए क्योंकि अब वेल्डिंग करने की बारी आई। तो दोस्तों अभी वेल्डिंग करेंगे भैया। तो दोस्तों जो इसका सामान है वो सामान में इनको देता भैया को और बाद में इसका कनेक्शन ऑन करता।
तो दोस्तों देखिए आप अभी जीने के नीचे की फ्रेम बन चुकी है, ऐसी कुछ फ्रेम बनी है। दोस्तों पूरी फ्रेम बना लेंगे भैया और बाद में एक साथ पूरी फ्रेम के ऊपर में जाली लगा देंगे और इनको वहाँ पे इंस्टॉल कर देंगे। दोस्तों भैया अभी नीचे अपना काम करें, देखिए आप। और अभी दोस्तों धूप निकली है तो मैंने दोस्तों अपने पूरे कबूतर खोल दिया, पेठी वाले लॉफ वाले कबूतर खुला नहीं, क्योंकि अभी दोस्तों यहाँ पे भैया काम कर रहे हैं, इसलिए मैंने सोचा कि बहुत ज़्यादा अड़चन हो जाएंगी, इसलिए सिर्फ मैंने पेठी वाले कबूतर खोला, लॉफ वाले कबूतर नहीं खोला। और देखिए आप एक मादी देख सकते हैं किस तरीके से झिमरी पूरी हल्की हुई जैसे कबूतरी, मालूम नहीं क्या हो गया इसको। कल शाम में इसको दवा दिया था मैंने मगर इसको असर नहीं हुआ नहीं दवा का। देखिए मस्त धूप निकली है अभी। इसको उठा के हमने यहाँ पे रख दिए, अभी आधा एक घंटा हम कबूतर खुला रहने देते और बाद में कबूतर को बंद कर देंगे। हाँ भैया ये लो टेप। तो एक साइड की फ्रेम बन चुकी है, अभी ये साइड की फ्रेम बना रहे, बाद में ढक्कन बनेंगे। तो दोस्तों आपको सारा प्रोसेस बताऊंगा एकदम मैं। और शायद से दोस्तों अपने कुछ कबूतर उड़ रहे हैं अभी ऊपर में, नहीं दोस्तों कबूतर बढ़ गए अपने, क्योंकि जैसे मैंने कबूतर खोला था वैसे अपने कबूतर उड़ रहे थे। और अपना दोस्तों रेसर कबूतर का जोड़ा लग चुका है अभी। वैसे दोस्तों ये सब चीज़ें मैं आपको अपने मेन चैनल अमेजिंग पिजन टिप्स से बताऊंगा। ये देखिए आप, ये उसी माटी का पट्टा है जो कि दोस्तों पूरा हल्का हो चुका है, मालूम नहीं दोस्तों क्या हो गया कबूतर को एकदम। और हाँ दोस्तों जितने भी कबूतर के अंडे हो रहे हैं सारे अंडे में फेंक देना, अभी मुझे कबूतर के बच्चे निकालना नहीं है। तकरीबन दोस्तों अभी और 2-3 महीना मैं कबूतर के बच्चे निकालूंगा नहीं। तो अभी दोस्तों मैं नीचे से घी लेके आता और पन्नी बिछाता और यहाँ पे घी डालता कबूतर को। दोस्तों काम चालू है अभी भी और कबूतर भी खुले अपने। ये देखिए दोस्तों आप, ये दरवाजे की फ्रेम बनी है अभी और जीने के नीचे की फ्रेम बनी, अभी ये साइड की फ्रेम बनना बाकी है। अभी काम चालू है दोस्तों, देखते रहना वीडियो को। तो दोस्तों अभी सैलेज पे जा रहे हैं खाना खाने के लिए, क्योंकि अभी 2 बज चुके हैं और मैं भी अपने ऊपर के कबूतर बंद कर देता और मैं भी दोस्तों खाना खाने चल जाता। फिर दोस्तों हम ऊपर आएंगे और लॉफ वाले कबूतर खोलेंगे और भैया अपना काम करेंगे। तो दोस्तों आप वीडियो को पूरा एंड तक देखते रहना। तो भैया जा रहे अभी खाना खाने के लिए घर पर और वायर का कनेक्शन मैंने पूरा बंद कर दिया। ये देखिए आप दोस्तों अभी सैलेज पे आ चुके हैं घर पर और फिर से हमारा काम चालू हो चुका है। और दोस्तों अभी मैंने पेठी वाले कबूतर बंद कर दिया और लॉक वाले दोस्तों कबूतर खोला था मैंने और दोस्तों खोल के कबूतर का ट्रीटमेंट कर रहा था जो कि दोस्तों है कबूतर गले का इलाज। तो दोस्तों देखिए आप, हमारी एक कबूतरी मर गई जब दोस्तों इसका मैंने ट्रीटमेंट करना चालू करा, तो दोस्तों वैसे ही कबूतरी हाथ के ऊपर मर गई। बहुत बेकार लग रहा दोस्तों मुझे, अभी बीमार हो गई दोस्तों ये कबूतरी। ये देखिए आप, मुझे पानी निकल ही रहा इसके। दोस्तों इसका जोड़ा मैंने मेरे शिराजी कबूतर के साथ मेरा लगाया था मगर अभी शिराजी कबूतर फिर से सिंगल हो गया और हमारा काम देखिए फिर से चालू हो चुका है इधर में। वैसे दोस्तों सारे कबूतर का ट्रीटमेंट करके हो चुका है, जो कबूतर मेरे बीमार थे वैसे इसका करना शुरू करा था मैंने, तो ये कबूतर वैसे ही मर गई। दोस्तों इसको दफना के आना पड़ेगा मुझे और भैया अपना काम करें यहाँ पे। तो ये दोस्तों दरवाजे की फ्रेम है और इसके अंदर मैं दरवाज़ा फिटूंगा एक। तो दोस्तों अभी मौसम अच्छा है तो मैं एक काम करता, मेरे लकवे वाले कबूतर खोल लेता क्योंकि देखिए आप यहाँ पे दाना पड़े छे। तो दोस्तों अभी भैया देखिए कब्जे लगा रहे हैं यहाँ पे दरवाजे के। कुछ इस टाइप से अभी तो भैया मेजरमेंट ले रहे इसका। ये देखिए आप लकवे वाले कबूतर पानी के अंदर डूबे हुए हैं अभी। दोस्तों इसके अंदर में और एक गेट बनेगा वो भी आपको बता दे रहा हूँ मैं, ये तो बड़ा गेट, इसके अंदर एक छोटा गेट और बनेगा। दोस्तों देखिए आप, ये है दरवाज़ा
और ये है दरवाजे की फ्रेम, और इसके अंदर और एक बनेगा दरवाज़ा, इसको लगा के दिखाओ एक बार। ये देखिए दोस्तों आप, तो दोस्तों इसके ऊपर जब जाली लगेंगे जब मैं आपको बताऊंगा और किस तरीके से एकदम फ्रेम बनती है पूरा होने के बाद में। अभी तो टाइम है दोस्तों हमारा पूरा ब्लॉक बनने के लिए। दोस्तों अभी छोटे ढक्कन का काम चालू है, देखिए आप यहाँ पे हमारा छोटा ढक्कन लगेगा, मतलब छोटा गेट, ये छोटा गेट और ये बड़ा गेट। दोस्तों ये जो गेट रहेगा इससे हम बजी स्टूडियो को दाना पानी डालेंगे, और ये गेट जब दोस्तों हम खोलेंगे जब हमें लॉफ्ट की साफ सफाई करनी करेंगे तो। दोस्तों अभी हमने जाली लिखा है ऊपर में, और भैया जाली को सीधी कर रहे, देखिए आप। दोस्तों ये है 8 फुट जाली, 8 फुट ऐसी है और 4 फीट ऐसी है, ये देखिए आप, ये पूरी जाली है जो कि दोस्तों अभी सीधी हो चुकी है, और ये ढक्कन है। दोस्तों देखिए आप ऐसा कुछ मौसम है अभी, अभी बच चुके हैं दोस्तों 4, और अभी दोस्तों हमारा काम होने का है। अभी देखिए आप, अभी हमने जाली लेके आए, अभी जो फ्रेम बनी है उसके अंदर में जाली लगाते और वहाँ पे जाके वेल्डिंग करते हैं। अभी वैसे तो और भी वहाँ का काम बाकी है, तो देखते हैं दोस्तों आप पूरी वीडियो को, आपको वीडियो में बहुत मज़ा आएगा। दोस्तों देखिए आप, ये फ्रेम है जीने के नीचे की, जो दोस्तों हमारा लोहे का जीना है उसके नीचे की फ्रेम है ये, देख सकते हैं आप। तो पहले जाली फ्रेम को वेल्डिंग करेंगे, पहले इसमें जाली लगेंगे और देखना ये है कि कितना काटना पड़ता है इसको। वैसे दोस्तों जो हमारा जीना है थोड़े अलग तरीके से बैठा है, मतलब टेढ़ा बैठा है, तो उसको जो दोस्तों अभी हम सीधा कर नहीं सकते, इसलिए हमने फ्रेम को थोड़ी टेढ़ी बनाई। ये देखिए आप, आपको देख के समझ में आ चुका होगा कि हमारी फ्रेम थोड़ी सी टेढ़ी है, मगर इसकी टेंशन की कोई बात नहीं है, भैया एकदम अच्छे तरीके से एडजस्ट कर रही है इसको। अब जाली भी दोस्तों हमको थोड़ी टेढ़ी काटना पड़ेगा, ये देखिए आप। थोड़े इसके डब्बे टेढ़े आ जाएंगे, मगर इसकी टेंशन की बात नहीं है, कटर मशीन से भैया पूरे काटेंगे इसको। अभी तक के दोस्तों हमने जालियों को पेंची से काटे और अलग वाले नोज प्लेट से काटे, मगर आप देखना जाली किस तरीके से कटती है एकदम कटर मशीन से। दोस्तों इसको तो 5 मिनट भी नहीं लगे कटने में, सड़सड़ कट गई एकदम। और दोस्तों फिर से बारिश शुरू हो चुकी है अभी, तो मुझे लगा नहीं था दोस्तों कि अब फिर से बारिश आ जाएगी, तो अभी मुझे पूरी पीठी कवर करना पड़ेगा। दोस्तों जाली हमारी कट गई है, और इतनी जाली काटने में दोस्तों हमको तकरीबन 10-15 मिनट लगते हैं, मगर मशीन से देखिए आप 5 मिनट भी नहीं लगे इसको काटने में। और अभी दोस्तों बारिश आ रही है, तो मैं ये वाले कबूतर बंद करके रख लेता और पेटी को कवर कर लेता, और अभी घर के अंदर में हम काम करेंगे कनेक्शन लगने का इसका। ये देखिए दोस्तों आप, ये है HV स्क्रू, इसको लगाएंगे इसके अंदर में। दोस्तों देखिए आप इस तरीके से जाली फिटी इसको। देखिए आप कुछ इस तरीके से, दोस्तों बहुत सारे स्क्रू लगे इसके अंदर में। अब जो ये एक्स्ट्रा का पार्ट आपको दिख रहा है ये वाला, इसको दोस्तों हम काट लेंगे, फिर दोस्तों हाथ पे लगने को कोई ऐसे टेंशन नहीं रहेगा इसमें।
तो दोस्तों ये फ्रेम तो हमारी पूरी कंप्लीट हो चुकी है, बस हाँ का काटने का बाकी है। बाकी हमारी फ्रेम पूरी कंप्लीट होगी। अब दरवाजे की फ्रेम बनाते हैं और एक साइड की फ्रेम बनाना है, फिर दोस्तों इसको असेंबल करना है वहाँ पे। तो दोस्तों अभी गेट का काम चालू है, देखिए आप। और कसो बस। अभी दोस्तों ऊपर बारिश आ रही है, इसलिए दोस्तों रूम में बैठ के हम काम कर रहे हैं इसका जाली का। तो दोस्तों अभी दोनों पल्ले हमने ऊपर लेके आ गए हैं, क्योंकि इनके जो बाहर की जो जाली है उनको काटना है। देखिए दोस्तों बहुत ही स्पीड में भैया ने काटे इसको, एकदम सफाई से काम हुआ आपका। अब आप हाथ पे लगने को वैसा कोई टेंशन नहीं है। और ये देखिए आप, इसके स्क्रू थोड़े बाहर आ चुके थे। ये देखिए ये जो स्क्रू लगे हैं यहाँ पे टच हो रहे थे, इसलिए स्क्रू भी हमने काट लिए। अब दोस्तों हमारा ढक्कन बन चुका है, अब बारी आती है दोस्तों इसकी। ये देखिए दोस्तों आप, अगर हम ऐसा लगाएंगे तो दोस्तों इससे हमारे हाथ कट सकते हैं। तो भैया देखना आप किस तरीके से काटेंगे एकदम इसको। पूरा परफेक्ट कटा है दोस्तों, देख सकते हैं आप। अब बारी है इधर की। दोस्तों इसको अलग कर देता मैं और चप्पल पहन लेता, क्योंकि यहाँ पे पूरे बारीक बारीक उसके टुकड़े गिरे हैं जाली के। तो दोस्तों भैया अभी इसको अंदर में लगा रहे हैं और पूरे इसके अच्छे तरीके से कटिंग हो चुकी है, मतलब हाथ पे लगने का कोई ऐसा टेंशन नहीं इसमें और ना ही बजी स्टोरिया को तार चुपने का डर है। अभी दोस्तों देख सकते हैं आप, शाम हो चुकी है और अभी तक के मैंने मेरे मेन चैनल पर वीडियो डाला नहीं हूँ, जो कि दोस्तों हमारा अमेजिंग पिजन टिप्स है, क्योंकि सुबह से दोस्तों मैं मेरे ये वाले काम में हूँ, इसलिए दोस्तों आज मेरा वीडियो डालना हो नहीं पाएगा ऐसा मुझे लग रहा है। वैसे दोस्तों वीडियो बन गया है, बस एडिट करके दोस्तों मेरे मेन चैनल पे डालना है। अब देखते हैं क्या होता है, वीडियो डालना होता है या नहीं होता है। दोस्तों इतनी मेहनत लगती है लॉक बनाने के लिए, देखिए आप, और इतनी मेहनत लगती है वीडियो बनाने के लिए, हर एक चीज़ आपको बताने के लिए एकदम। तो दोस्तों अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं करेंगे तो लाइक ज़रूर कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। तो दोस्तों ये पूरी रात हो चुकी है, देखिए आप, और भैया अभी भी काम कर रहे हैं, यहाँ पे वेल्डिंग का काम चालू है। तो दोस्तों अभी 10 बज चुके हैं और सैलेज भैया से भी काम हो नहीं पा रहा है, क्योंकि रात में आँख के ऊपर में वेल्डिंग लगने का खतरा है, इसलिए दोस्तों हम कल काम करेंगे इसका। इसके अंदर पूरा सामान रख दिया, उनका सामान यहाँ पर रहेगा इनका रात भर, ऐसी कोई टेंशन की बात नहीं दोस्तों। तो दोस्तों आज की वीडियो को हम एंड करते हैं। आज दोस्तों सिर्फ हमारा दो पल्ले बने, एक गेट बना और नीचे का लोहे के जीने के वास्ता बना है, दिखा देता आपको। ये देखिए आप, अभी इतने खास तरीके से आपको दिख नहीं पाएगा। यहाँ पे रहेंगे दोस्तों हमारी बजी स्टूडियो और फिन स्टूडिया। तो इतना काम हुआ हमारा आज, तो आज की वीडियो को हम एंड करते हैं। तो दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों अभी तक क्या आपने इंस्टाग्राम फॉलो नहीं करें तो मैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा, आप चाहे तो मुझे फॉलो कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।